नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आ रही है, दर्शील के पेरेंट्स के साथ एक इंटरव्यू आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो बच्चे आरएमसी के लिए एस्पायर कर रहे हैं और जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे आरएमसी में जाएँ, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और दर्शील का बर्थडे भी आज है, तो आप कॉमेंट में ज़रूर उसे बर्थडे विश कीजिएगा। और आज हमारे साथ हैं दर्शील के फादर और दर्शील के मदर हमारे साथ हैं। दर्शील हैज़ क्वालिफाइड द आरएमसी एग्ज़ाम, मेडिकल भी हो गया है और मेडिकल का रिजल्ट भी पॉजिटिव आ गया है। बहुत जल्द आरएमसी ज्वाइन करेगा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग पेरेंट्स का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करें और क्या जर्नी रही है दर्शील के अल्टीमेट गोल को जो दर्शील ने अचीव किया है उसमें क्या जर्नी रही है, वो हम आज आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। मेनली पेरेंट्स को ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेरेंट्स की जर्नी हमें नहीं दिखती है, बैकग्राउंड में जो पेरेंट्स की मेहनत रहती है वो हमें नहीं दिखती। तो आइए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले सर आपसे पूछना चाहूँगा। हेलो सर, नमस्कार, आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर। तो सर दर्शील के इस अचीवमेंट में सर आप शुरू से बताइए सर, जैसे कि आपका बैकग्राउंड हमें थोड़ा सा मालूम है कि आप खुद सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हो, तो आपने किस तरीके से गाइड किया दर्शील को कि आज उसके वजह से वो आरएमसी ज्वाइन करेगा कुछ दिनों में। श्योर सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अबाउट माय मोमेंटस जर्नी। आई वुड से कि काफ़ी हम लोग का इट वाज अ स्ट्रगल और मैं एक्चुअली इसके बारे में बोलना चाह रहा था फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट आई वाज वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इट विल बी एन आई ओपनर एंड इट विल हेल्प द फ्यूचर कैंडिडेट्स और उन लोग का पेरेंट्स के लिए भी एक काफ़ी मेरा एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करने से उन लोगों को काफ़ी मदद मिलेगा। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। पहले बात तो आई बिलोंग फ्रॉम असम और हम लोग का ये जर्नी स्टार्ट हुआ अराउंड 4 ईयर्स बैक, 4 साल पहले, आई थिंक 5 ईयर्स, 5 साल हो गया। तो इस पूरा चीज़ को मैं 3 पार्ट में आई एल डिफाइन इट, मैं आई एल मेक इट इन 3 स्टेप्स। पहले तो दिस इज़ ए पर्टिकुलरली मैसेज टू द पेरेंट्स कि पहले आपको खुद तय करना पड़ेगा। यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल गैदर एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल अबाउट आरआईएमसी। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, जितना पहले आपको खुद बिलीव करना होगा कि व्हाट इज़ आरआईएमसी, वाई आरआईएमसी एंड हाउ आरआईएमसी, हाउ टू क्रैक द एग्ज़ाम। तो इसका जो रास्ता मैंने अपनाया, द रूट दैट आई फॉलोड वाज आई ट्राइड टू गैदर एज मच इंफॉर्मेशन अबाउट आरआईएमसी एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड आई केम टू नो दैट इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम। ऐसा लोग बोलते हैं, मैं टफ वर्ड को यूज़ नहीं करूँगा, आई वुड से इट इज़ अ मेथोडिकल एग्ज़ाम। सो वंस आई बिलीव्ड इन द प्रोसेस, तो मेरा नेक्स्ट ये था कि हाउ, क्या करेंगे, क्योंकि आज से 5 साल पहले दरअसल बहुत छोटे थे। सो वो प्रिपरेशन का रिगर्स को मैं उसी वक्त में नहीं करना चाह रहा था। मैं एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट सॉर्ट ऑफ ए गाय ही इज़ ही रेडी फॉर वॉर, विल ही बी रेडी फॉर आर्म फोर्सेस। लाइक मेरा बैकग्राउंड ऐसा था कि मैं सैनिक स्कूल से बिलोंग करता था सर, और unfortunately I couldn't clear the medicals of the SSB. I cleared the SSB and that was quite a thing for me because हम लोग को तो वही सिखाया जाता है, क्लास 9 से हम लोग का ट्रेनिंग चालू है कि ये करना है आपको, NDA करना है। और मेरा बैच में एक्चुअली मैं नेवल एकेडमी के लिए ये किया था, NDA और NA बोल के। तो नेवल एकेडमी में आई थिंक माई रैंक वॉज वेरी गुड, इट वॉज 7th इन इंडिया। तो उस वक्त ये अच्छा अचीवमेंट था। वी आर वेरी हैप्पी इन द SSB। देन मेडिकल में फिर तब उन दिनों में लेसिक वगैरह होते नहीं थे, तो आई वाज डिसक्वालीफाइड। एंड ये जो इवेंट हुआ मेरे लाइफ पे काफ़ी मतलब इम्पैक्ट किया। एंड आफ्टर क्लास 12 मैं 1 साल फिर मैं ड्रॉप हो गया था बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट। देन मैं अपने टेक्निकल में चला गया, इंजीनियरिंग चला गया, एंड वो चैप्टर क्लोज हो गया। ऐसा नहीं है, मतलब जब लड़का हुआ उसके बाद कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ठीक है वो भी आर्म फोर्सेस का ऐसा है, लेकिन पहले खुद को मतलब आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्या इनमें वो बात है, क्वालिटी होगा कि नहीं होगा। तो ही वाज क्वाइट गुड इन स्पोर्ट्स, तो मैं देख रहा था पहले। द फर्स्ट स्टेप दैट आई वाज टेलिंग, पहले आरआईएमसी के बारे में मैं थोड़ा फाइंड आउट किया। देन थोड़ा देखा उसको, थोड़ा डिसिप्लिन मोड पे लाने का ट्राई किया, घर में थोड़ा स्ट्रिक्ट अनुशासन करके देखा। आई वॉज ट्राइंग टू पुट हिम इनटू सर्टेन सिचुएशंस, तो मुझे लगा कि कर पाएगा। एंड दैट्स द फर्स्ट स्टेप दैट आई डिड एंड आई गेस इट रियली ओपनड अप लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगा कि क्योंकि तब वो क्लास 4 था, आई थिंक ही वाज इन क्लास 5th, तब मुझे ये लगा कि अब ये 3 सब्जेक्ट है, जनरल नॉलेज, जीके और मैथमेटिक्स, इंग्लिश और ये जीके। तो मैंने क्या किया कि थोड़ा बहुत स्कूल्स का कंपटीशन जो होता है जनरल नॉलेज का, डिस्ट्रिक्ट है, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में होता ही है सम काइंड ऑफ क्विज कॉम्पिटिशन्स डिस्ट्रिक्ट में, उन सब में उसको मोटिवेट करा है पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद मैथ्स का थोड़ा बहुत, मैथ खुद उसको इनिशियल जो होते हैं मैथमेटिक्स का फाउंडेशंस, वो सब में क्विकर मैथमेटिक्स करने का वो आदत को पहले आई वाज ट्राइंग टू पुट हिम इनटू दो सिचुएशंस। इंग्लिश के लिए उसको काफ़ी रीडिंग हैबिट डालने का मैं ट्राई किया था, दैट वाज 4.5 years बैक। तो रेगुलर स्कूल का जो रूटीन रहा था उनका, साथ में डेली 2 hours घर पे स्पेसिफिकली RIMC का रास्ता मैंने उसको फाउंडेशन जो बेबी स्टेप्स के लिए मैं ट्राई करवाता, वो काफ़ी हेल्प हुआ। बाद में जब क्लास 6th-7th जब पहुंचा, वी वर फॉलोइंग दिस रूटीन फॉर अराउंड 2 years, तब मैंने सोचा अच्छा अभी इसका मतलब बेसिकली वार्म अप जैसा हो गया, अभी इसको एक्चुअल एग्ज़ाम के लिए इसको अभी ये करना है। मैं तो फुल टाइम तो ऑफकोर्स आई कैन नॉट गिव हिम द काउंसलिंग एंड ऑल दैट। देन कम्स टू मुझे ये करना पड़ा कि I'm sorry, my Hindi is not that perfect, so basically I'll speak in English. Okay. So what happened? I tried to scout the best academy for the training, and this is one thing that I'd like to. This is the second step. The first step about ourselves, how we have molded ourselves, and the second step. The second step में ये हुआ, अब scouting करने लगा कि क्या होना चाहिए, कहाँ पे डालेंगे for the training. To make it to clarify this, let me tell that ये जो वर्ड है बहुत कोचिंग बोल के जो लोग बोलते हैं, मैं कोचिंग वर्ड को यूज़ करना नहीं चाह रहा हूँ, बिकॉज कोचिंग एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, बहुत सारा चीज़ आ जाता है इसमें। आई वुड से ए प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर एग्जाम, एंड इस एंगल से मैं चीज़ों को मैं देखता था कि ऐसा कौन हो सकता है, कहाँ हो सकता है, you know? तो मैंने एक टाइम फ्रेम बना लिया, मैं बहुत मैथोडिकली चीज़ों को एनालिसिस करता हूँ, तो मैंने टाइम फ्रेम बना लिया था कि 2 months आई विल गिव फॉर माई सेल्फ, इन 2 महीना में आई हैव टू फाइंड आउट कहाँ मिलता है। तो काफ़ी नॉर्थ इंडिया में जैसे कि हम लोग मेडिकल के लिए, नीट के लिए, IIT के लिए करते हैं, तो नॉर्मली माइंड पे एक चीज़ आता है कि कोटा में बच्चे भेजते हैं, तो देहरादून तो हमेशा से ये रहा है कि आर्म फोर्सेस के लिए जाना जाता है, तो वाई नॉट देहरादून, दैट्स व्हाट एन RIMC इज ऑल्सो इन देहरादून। सो मैंने जूम इन किया देहरादून में, दैट वाज द फर्स्ट आउटर पैरामीटर दैट वाज आई कवर्ड, एंड लॉट ऑफ बिकॉज आई एम वेरी एक्टिव इन सोशल मीडिया, तो लॉट ऑफ माय वैल्यूशर्स हैव सजेस्टेड देहरादून। हमने चंडीगढ़, दिल्ली, काफ़ी महाराष्ट्र, आपका भोपाल, सॉरी महाराष्ट्र में, मुंबई में नहीं कहाँ पे था एक, तो आई थिंक दैट वाज इन, मैं फॉरगॉट, याद नहीं अभी कहाँ पे था, वो भी एक तो एकेडमी था, वो भी शॉर्ट लिस्ट किए थे, बट माई फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट नो यू शुड गो फॉर देहरादून। पहले शहर को सिलेक्ट किया मैंने, अब जब शहर फाइनलाइज हो गया तब तो उसके बाद यहाँ पे कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है, उन लोग का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा, ये चीज़ मैं कर रहा था फॉर द टाइमिंग, ये 2 महीना जो मैंने खुद के लिए ये रखा था। एंड बाय द टाइम वो उसका अपना चल रहा था घर पे, जो रेगुलर रूटीन जो मैं कर रहा था, तो व्हेन आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ओके अगर ये हो सकता है, मोल्डिंग अगर कर लिया तो वी कैन गो अहेड। तो देहरादून में I'll tell you the truth, at least I think 5 academies I have selected. Out of that I have spoken to each one of them. Call किए थे, उन लोग का बैकग्राउंड, इवन उन लोग का जो स्टूडेंट्स है, उन लोग का कुछ कुछ पास आउट स्टूडेंट्स है, उन लोग का मेल ID वगैरह निकालना क्या है, मैं बहुत थोड़ा रिसर्च किया। I won't name those academies, but एक दिन randomly in the morning I was searching YouTube about about algebraic concept or something about to teach him. तो डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी आपका सूरज सर का आया एक, ये मुझे बहुत इंसाइटफुल लगा हुआ है, इट इंस्टेंटली कनेक्टेड विद मी। मुझे लगा इट्स ए वेरी गुड वे टू एक्चुअली, जब मैं मुझे समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, एंड आई गेस मेरा एक्चुअली फैमिली बैकग्राउंड टीचिंग में ही है, मेरा पिताजी टीचर थे, तो ये इंस्टेंट कनेक्ट हो जाता है कि नो व्हेन ए टीचर कनेक्ट्स हाउ ही इज़ ट्राइंग टू कन्वे हिज मेथड्स यू नो द कोर्स. तो आई थॉट ओके ये डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के बारे में मतलब बिकॉज डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी तक आने से पहले 2-3 एकेडमी के ऊपर मेरा रिसर्च चालू था, लेकिन इंस्टेंटली रैंडमली आपका वीडियो एक दिन मैं देखा यूट्यूब में. आई वाज क्वाइट हैप्पी यू नो इट रियली कनेक्टेड विद मी. मुझे लगा बढ़िया है तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से यू नो आई कुड अंडरस्टैंड एंड बढ़िया. तो मैं और स्टडी करने लगा. ओके देहरादून में है, सूरज सर है. देन अगेन आई वेंट आउट दोज ओल्ड वीडियोज़ एंड ईच एंड एवरी वीडियोज दिस इज़ रियली हेल्पफुल फॉर अस यू नो. एंड तब हम लोग ने डिसाइड नहीं किया था कि ओके वी विल यू नो शिफ्ट हिम दर्शिल को देहरादून में रख देंगे बोल के नहीं सोचा था. हमने सोचा कि ठीक है पहले थोड़ा बहुत ऑनलाइन कोर्स या फिर ऐसा कुछ अगर ऑप्शन होता है. एंड पैरेलली आई वाज स्पीकिंग विद द अदर एकेडमीज एज वेल. बट आपका वीडियोज़ पहले देखा, उसके बाद ही कुड अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स. इंग्लिश का हम लोग को समझ में ही मतलब वी डिडंट नो अबाउट द एग्जाम पैटर्न्स. तो द योर वीडियोज़ वर क्वाइट हेल्पफुल. तो वंस वी मेड इट कि ओके नाउ दिस इज द एकेडमी दैट वी विल एक्चुअली सिलेक्ट. इन द मीन टाइम पहला अटैम्प्ट आ ही गया था. देन फर्स्ट अटैम्प्ट वाज जस्ट लाइक ए एक्सपोजर टू द एग्जाम. दैट वाज माय स्ट्रेटेजी. उसके बाद वी हैव डिसाइडेड वी विल पुट आवर सन इन दिस एकेडमी एंड वी वर इट वाज क्वाइट ए जर्नी यू नो. उसके बाद हमने उसका हर हफ्ते, क्योंकि देखिए हम लोग स्कूल हो, कॉलेज हो, प्रोफेशनल एकेडमी हो, द स्टूडेंट क्या कर रहा है उसका मैं एक छोटा डायरी रखता था. डेली आई यूज्ड टू नोट डाउन सम क्वेश्चंस रेंडमली इंटरनेट से. तो इवनिंग को मैं इसको कॉल कर रहा था कि आज का क्लास का तेरा क्या क्या सब्जेक्ट में पढ़ाई हुआ. वो बोलता था ऐसा ऐसा सब्जेक्ट. ओके आई विल गिव यू दिस टू सम्स, सॉल्व इट इन दिस टाइम, दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम, आई नीड आंसर राइट नाउ. तो ये डेली होता था. कभी कभी 1-2 दिन हफ्ते में मिस हो जाता था, बट दिस इज़ व्हाट आई फॉलोड. मैं अपना ट्रैक रिकॉर्ड वो मेंटेन करता था. सो एकेडमी ऐसा पेरेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि एकेडमी में अपने बच्चे को रख दिए हैं, बट आपको भी थोड़ा बहुत उसको यू शुड कीप इन माइंड कि यू शुड एक्चुअली ट्रैक द प्रोग्रेस. क्योंकि ऐसा नहीं है कि एकेडमी में रख दिया ही मतलब गारंटी हो गया कि हो जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स ए कलेक्टिव एफर्ट. द 90% I would say 70% to 90% effort goes जो उसका स्टूडेंट का अपना जो उसका लगन होता है. बाकी जो टीचर्स आफ्टर लाइक इन माई जर्नी आई हैव सिलेक्टेड डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी एंड मैं 70% तक मैं अगर कॉन्फिडेंट था कि बच्चे कर रहे हैं तो मुझे सिंस आई हैव सिलेक्टेड दिस एकेडमी सो 30% आई वॉज श्योर एंड आई वॉज ट्रैकिंग दिस अप. सो थैंकफुली इवेंचुअली ही वॉज क्वालिफाइड इन रिटन. उसके बाद तो काफ़ी ये हुआ मतलब यू नो लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई विल डेफिनेटली टेल यू. बट या दिस वाज ए जर्नी यू नो. दिस इज़ ये मतलब ऐसे ही हमारा बैकड्रॉप ये था. ये 3 फेज़ में मैंने सोचा. पहले खुद एनालिसिस किया, देन वी हैव पुट द दिस थिंग टू अ प्रॉपर एकेडमी एंड आफ्टर दैट एग्ज़ाम का एक प्रोसेस रहता है. उसी हिसाब से हम लोग का ये जर्नी इसलिए मोमेंटस रहा है. सर इन अ शॉर्ट वे यू हैव टोल्ड कि जो भी डिसिप्लिन में आप इसे रखते थे जो भी कोड, क्योंकि मैंने इसको स्पेशली यहाँ पर पढ़ाया है और इसका कोड ऑफ कंडक्ट जो मैं कहूँगा वो काफ़ी अच्छा था. और बच्चों से ही हैज़ फॉलोड व्हाटएवर आई हैव गाइडेड हिम, व्हाटएवर इंस्ट्रक्शंस आई हैव गिवन हिम ही हैज़ फॉलोड दोस इंस्ट्रक्शंस. तो मेरे लिए तो एक यही बात रहती है कि सबसे बड़ी जो दक्षिणा होती है गुरु के लिए वो यही है कि जो उसका शिष्य है, जो उसका स्टूडेंट है, वो उसकी बात माने. लेकिन मैं इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी रोल मानता हूँ. ठीक है, कुछ ना कुछ मोटिवेशन तो टीचर से मिलता ही है जी. तो आपने इन अ वेरी शॉर्ट वे आपने बताया कि आप थोड़ा थोड़ा इसको डिसिप्लिन में लाते थे. लेकिन मैं मैम से भी जानना चाहता हूँ आप लोगों के क्या कलेक्टिव एफर्ट्स थे, इसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आए. और ही वॉज वेरी काम एंड कम्पोज और ही वॉज वेरी फोकस्ड. इसको जो भी मैं टास्क देता था ये करता था. तो ये चीज़ मैं बहुत बच्चों में मिसिंग, क्योंकि सभी बच्चे पे कुछ ना कुछ टैलेंट है जी. हमारे पास जितने बच्चे आते हैं सारे आरएमसी में सिलेक्ट नहीं होते. और इसका मेन रीज़न यही है दे डू नॉट डू फॉलो अप. एग्जैक्टली. ठीक है, इसने ये बहुत अच्छे से इसने फॉलो अप किया और जो भी इसको टास्क, जो भी इसको इंस्ट्रक्शंस दिए गए ही हैज़ फॉलोड दोज इंस्ट्रक्शंस. इसलिए ये जो रिजल्ट हम देख रहे हैं इवेंचुअली वो आया है जी. तो मैं पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू पूछना चाहता हूँ कि वो जो इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आई है उसमें क्या आप लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, दोनों का मैं पूछना चाहता हूँ. सर एक्चुअली ये हम लोग का ये इनबिल्ट है जी. ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स आए, ये हो सकता है सर इनबिल्ट भी हो सकता है जी. कभी कभी घर का माहौल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ना, क्योंकि पेरेंट्स में देखता हूँ कभी कभी मेरे पास ऐसे भी पेरेंट्स आते हैं वो इसलिए हॉस्टल में बच्चे को डालते हैं क्योंकि घर में वो माहौल दे नहीं पाते जी बच्चे को। तो अब क्योंकि जो मैंने मेरा जो एनालिसिस है दर्शील को लेकर जी, तो बहुत पॉजिटिव हूँ मैं इसके लिए जी। और इसीलिए मैं आपसे स्पेशली बात करना चाहता था क्योंकि ये और पेरेंट्स को एक बड़ा अच्छा आइडिया देंगे कि अभी से हम कैसे बच्चे की ग्रूमिंग कर सकते हैं। राइट, तो इसीलिए सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स की नज़र आप में होगी जी, और वो कहीं ना कहीं खुद चाहते होंगे कि हमें अगर पर्सनल नंबर मिले, हमारे पास फ़ोन भी आता है कि हमें दर्शल के फादर का पर्सनल नंबर दीजिए। ओके, तो हम बोलते नहीं इट्स कॉन्फिडेंशियल, तो वो आपके थ्रू अगर वो सुन लेंगे तो उनको बड़ी हेल्प मिलेगी। बिल्कुल, कि वो कहीं ना कहीं डिस्कस करना चाहते हैं क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं अभी उनके पेरेंट्स के, और वो चाहते हैं कि अभी से हम कैसे ग्रूमिंग करें क्योंकि आरएमसी एक बिग इंस्टीट्यूशन है, हर स्टेट से एक एक सीट है, तो कैसे ग्रूम करें बच्चे को अभी से ताकि इवेंचुअली उनको भी सक्सेस मिले एट द एंड ऑफ द डे। सर मैं तो ये कहूँगा कि मैं जैसे आपको बताया था द थिंग दैट आई टोल्ड कि जो फर्स्ट स्टेप पहला कदम जो होता है, आप एक मतलब टू माय रेस्पेक्टेड पेरेंट्स पहले ये आप तय कर लीजिए, आप एक टाइम फ्रेम ले लीजिए कि 1 महीना 2 महीना, ये टाइम फ्रेम में एज मच इन्फॉर्मेशन एज यू कैन गेट, पहले खुद कन्विंस होना पड़ेगा। यू हैव टू बिलीव इन द कॉन्सेप्ट। उसके बाद हाउ मीनिंग घर में वो माहौल इन द सेंस कि उसको एक रेजिमेंटल रूटीन घर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। यू नो यू हैव टू वेक अप अर्ली, एक लंबा रनिंग के लिए तो मे बी लाइक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वॉक या रन, क्योंकि सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठ के थोड़ा अगर बाहर जॉगिंग में बच्चा चला जाता है वो फ्रेश हो जाता है पूरा। उसके बाद एक रेजिमेंटल रूटीन जो मैं बोलता हूँ हमेशा कि स्कूल्स तो सबका है ऑफ कोर्स, तो बट स्कूल से पहले थोड़ा एक दफ़े रनिंग होके आके थोड़ा लाइट फूड या ब्रेकफास्ट या कुछ ऐसा वार्म वाटर लेके यू शुड गेट डाउन टू द स्टडीज़ एटलीस्ट फॉर 45 मिनट्स। फॉर द प्रीवियस डे जो पढ़ा गया था स्कूल में या फिर उसका जो अपना प्रिपरेशन रहेगा उसको थोड़ा जस्ट रिमाइंडिंग, जस्ट लाइक ए वार्म अप काइंड ऑफ थिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसको पहले खुद आप तय कीजिए कि वेदर यू आर कन्विंस्ड, बिकॉज अगर पेरेंट कन्विंस है अबाउट द प्रोसेस दैट द पेरेंट इज गोइंग टू फॉलो तभी हो पाएगा, बिकॉज दे विल सेट द पैरामीटर्स। घर में वो रेजिमेंटल रूटीन तो बहुत ज़रूरी है। रेजिमेंटल रूटीन सुनने में थोड़ा ये लगता है, बट एक फिक्स रूटीन आई वुड से, जो कि बच्चा भी कंफर्टेबल हो और उसको ऑब्जेक्टिव को याद दिलाना पड़ेगा। यू नो वीकली टारगेट्स रखिए कि ये हफ्ते में आप इतना 125 क्वेश्चंस हफ्ते में आप करके दिखाओ, मतलब आप प्रोफेशनल हेल्प से पहले यू नो। उसके बाद एक हफ्ता का आपने टारगेट रखा, उसके बाद आपने इसको 3 दिन का रखिए। उसके बाद मैं वही प्रोसेस फॉलो किया था। यू नो मैं संडे को टेस्ट लेता था, घड़ी रख देता था कि ओके दिस इज़ द टाइम यू हैव एग्जैक्टली, वो एग्ज़ाम का माहौल में संडे को टेस्ट करता था कि, तो उसमें चेकिंग उसका पूरा आंसर शीट वगैरह में चेक करता था, इतना गलती आया तो नेक्स्ट वीक मुझे उससे बेटर रिजल्ट चाहिए था। सो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट आई वाज डूइंग अलॉन्ग विद दैट फिजिकल एस्पेक्ट। सुबह रनिंग बहुत ज़रूरी था, और इनको स्पोर्ट्स में थोड़ा दरअसल को अच्छा है तो फुटबॉल, शाम को फुटबॉल खेलने जाता था, तो स्पोर्ट्स सुबह रनिंग ये बहुत ज़रूरी होता है। अलॉन्ग विद दैट योर स्कूल का जो होमवर्क्स वगैरह तो रहता ही है, बट ये चीज़ उनको याद दिलाना जो डेली ज़रूरी है कि ही इज़ गोइंग टू अपेयर फॉर ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड ही हैज़ टू फॉलो ए मेथोडिकल अप्रोच, बिकॉज वंस द पेरेंट्स आर कन्विंस्ड दे हैव टू रियली इंस्टिल कॉन्फिडेंस टू दैट टू देयर चिल्ड्रन एंड दे हैव टू मेक श्योर वेदर ही बिलीव्स इन द प्रोसेस और नॉट। यू हैव टू मेक हिम कम्फर्टेबल। उनको आप एकदम रिजिड रूटीन में ये करेंगे, उनको फोर्स करेंगे, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। पहले आप जज कीजिए कि वेदर ही और सी कैन डू इट और उनको ये इंटरेस्ट है। यू कैन डू दैट बाय डिफरेंट मेनी अदर वेज। यू नो यू कैन उसका फ्रेंड्स को गेट टुगेदर कीजिए, आपस में डिस्कस करें, कोई मूवी दिखाइए अबाउट, कोई डॉक्यूमेंट्री दिखाइए अबाउट मिलिट्री लाइफ एंड यू नो अबाउट द आर्म फोर्सेस। Instill those values, try to you know make sure that he inculcate those values, he believes in the process. तो ये थोड़ा टाइम फ्रेम के अंदर ना, मैं तो बोलता हूँ 2 महीना काफ़ी होता है, 2 या 3 महीना मैक्स। ये क्लास 5th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड में करना ही पड़ेगा। एंड 1 साल तक घर में अगर ये फॉलो होने के बाद व्हेन द एग्ज़ाम टाइम्स कम्स तब प्रोफेशनल हेल्प ज़रूरी है। एंड यू हैव टू सिलेक्ट अकॉर्डिंग। मैं ये ना, आई एम नॉट ट्राइंग टू यू नो टेल यू टू माई पेरेंट्स दैट आपको प्रोफेशनल एकेडमी में आप बच्चे को रखना ही रखना है बोल के मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये आपका चॉइस है, बट सिलेक्ट those academies were dedicated for a cause. Well, I have मैं ये बताना नहीं चाहूँगा कि इस रास्ते में मुझे कुछ ऐसे भी एकेडमीज़ मिले हैं जिन लोगों का रिस्पॉन्स इनिशियली लाइक यू नो दे वर टेलिंग मी कि नहीं नहीं आप आ जाइए, वी विल मेक श्योर दैट ही जॉइंस. तो ये थोड़ा फिसी लगता है बिकॉज इट्स ए कलेक्टिव एफर्ट लाइक आई सेड बिफोर. तो ये बहुत ज़रूरी है. और बाकी डाइट में, खाना पीना में बच्चे लोग का तो ग्रोइंग स्टेज में काफ़ी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स रहता ही है. तो इनमें मेरा वाइफ काफ़ी ये था, यू नो, शी वाज ये उनका डिपार्टमेंट रहा कि फूड एंड फिटनेस के लिए इनको कौन सा ये मतलब व्हाट सॉर्ट ऑफ ए थिंग दैट ही हैज़ टू डू. ज़्यादा स्पाइसी या मसालेदार खाना है, हम लोग ऑलरेडी बेसिकली हम नॉर्थ ईस्ट के हैं तो हम लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते भी नहीं है. तो वो चीज़ उनको देखता था. हम लोग ने अपना गोल्स को सेट कर लिए थे कि प्रोग्रेस मैं देखूँगा, फूड, टर्नआउट एंड रूटीन जो फिज़िकल फिटनेस, सुबह दौड़ना, शाम को फुटबॉल, ये मेरा मिसेस देखती थी. और मेरा पिताजी दर्शिल का ग्रैंडफादर, वो मैथ्स में, वो बेसिकली ही वाज वेरी गुड इन मैथ्स. तो मैथ्स का फाउंडेशंस उनको थोड़ा बहुत पिताजी भी काफ़ी हेल्प किए थे. एंड फिर स्कूल्स में वो करता था, हम लोग जीके टेस्ट वगैरह में उसको एनकरेज करते थे, क्विज़ में जाओ. तो इस तरीके से इट वाज ए जर्नी. इनिशियल द फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैं बहुत अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके बताना चाह रहा हूँ पेरेंट्स को कि पहले आप You have to believe the process, gather as much information as you can. एक बार आपने information आ गया, you have to analyze कि क्या करेंगे अभी. अगर आपको करना है तो करना है, but आपको तो नहीं करना है, बच्चे को करना है. Whether he or she is ready or will be ready, ये आपको तय करना है. उसका मैं there are many ways to find out whether he or she can do that. तो अगर ये process में एक बार set हो गया, then you can go ahead and I suppose class 5 से करना बहुत ज़रूरी है. Yes. सर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स या कलेक्टिव एफर्ट्स अकेडमी के भी काफ़ी रहे हैं जी. और मेरा इंडिविजुअली ये मानना है कि मैं कभी बच्चों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ. मैं कहता हूँ कि रिजल्ट एक बाई प्रोडक्ट है जी. लेकिन आपको क्या लगता था सर जब इसने रिटन एग्जाम दिया? सो व्हाट वाज योर फीलिंग कि ये कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? और जिस दिन रिजल्ट आया जी, जिस दिन आपने उसका नाम देखा ऑन द लिस्ट जी, so what was your feeling on that particular day, sir? Sir, actually, जब when he faced that exam, तो I was pretty confident. Although मैं ये I was not trying to tell to him, मैं उनको उनके सामने बोलता नहीं था, but I was confident enough. इसका reason दो है. There are two reasons for that. पहला, वो already before coming to Defence Officers Academy, वो already एक दफ़े written दे चुका था. And that too also by following your channel and he has been following it for like class 6 से ही फॉलो कर रहा था वो. तो उनका फाउंडेशन बहुत अच्छा हो गया था. इंग्लिश में हैंड राइटिंग का इशूज़ थे तो वो यहाँ के तो पूरा ही ठीक हो गया था. एंड ओवरऑल उस दिन का बात अगर करेंगे तो द एग्ज़ाम, जैसे एग्ज़ाम हॉल से बाहर आया, व्हेन आई गॉन थ्रू द पेपर्स, तो मुझे लगा कि ही विल डू इट. एंड इंग्लिश में तो उनका बहुत अच्छा हुआ था. एंड मैं ये चीज़, यू विल डिनाई इट, बट ये इंग्लिश का फुल क्रेडिट मैं आपको देना चाह रहा हूँ बिकॉज आई कुडंट मेक इट हैपन. बिकॉज यू नो व्हाट, इंग्लिश का उनका हैंड राइटिंग बहुत ही इशूज़ थे हैंड राइटिंग में. एंड रिगार्डिंग दोज वोकेबुलरीज, रिगार्डिंग द ग्रामर पार्ट, ये उसमें लिए बहुत टाइम हम लोग दे नहीं पाए थे, ये टू बी वेरी फ्रेंक. तो यहाँ आने के बाद आई हैव सीन रिमार्केबल प्रोग्रेस इंग्लिश पे, रिटन का जो इंग्लिश फ्रेजिंग का, and the best part was the handwriting. It remarkably changed, right? And I'm so happy for that. And all credit to you, sir. This you have to acknowledge that. And likewise, the result आए, and I think that was on the 3rd of April when the results came. मुझे तो पता नहीं था result आ जाएगा उसी दिन. And that day was my child's birthday. Okay. So I was getting ready for that birthday preparation and all that in the morning. And out of nothing, I think Darshil ने ही कहीं पे net में देखा था. एंड रिटन का रिजल्ट आ गया. तो आई वॉज ओके, आई न्यू इट इट्स गोइंग टू हैपन बिकॉज मैं काफ़ी चीज़, वो जो क्वेश्चन पेपर्स थे उसको बार बार मैं घर पे इसको चेक करवाया था एंड आई वॉज श्योर कि ये हो जाएगा. बट अब ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ऑलवेज इट्स अ नेक्स्ट स्टेप अगेन. तो रिजल्ट रिटन तो आ गया, फिर माई टारगेट वॉज वाइवा में क्या होगा. तो वाइवा वॉज क्वाइट, आई वुड से, प्रेजेंस ऑफ माइंड देवर टेस्टिंग. जनरल नॉलेज का तो ऑलरेडी वो लोग कुछ पूछेगा नहीं बिकॉज रिटन में जनरल नॉलेज काफ़ी हाई स्टैंडर्ड का आते हैं. एंड तो उनका वाइवा में उनका पर्सनैलिटी, what is his spoken power, expressiveness और presence of mind about his own home state, इन सब का बारे में टेस्ट किया गया था and that was pretty good. वाइवा हो गया था. तो जिस दिन वाइवा complete हुआ वो भी बहुत interesting है. Those people who were actually conducting that वाइवा interview, they came out and they tried to convey their regards to me, क्योंकि मेरा state से आई थिंक लास्ट ईयर एक बंदा सिलेक्ट हुआ था, उसका पहले 15 साल तक कोई नहीं गया था, 15 years. सो दे वर ऑल्सो क्वाइट फोर्ट कमिंग. आई शुड गिव क्रेडिट टू दोज ऑनरेबल जेंटलमैन, दे वर फ्रॉम द आर्म फोर्सेस. सो आई वाज श्योर अबाउट द वाइवा. देन कम्स द मेडिकल पार्ट. आई वुड कैरी फॉर दिस, इफ यू आस्क मी, लाइक इट्स ए डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द थिंग एंड दैट रियली माई पेरेंट्स शुड नो, पेरेंट्स ऑफ द फ्यूचर कैंडिडेट शुड नो अबाउट दिस. बताऊँगा. The medical भी, I think it was very exhaustive. Yeah, it was. Yes, parents को बताना ज़रूरी है. जी. It was very exhaustive. Okay, Darshil, I just want to ask from you, क्योंकि students personally कहीं ना कहीं आपसे connect करते हैं और आप लोग, आपको live sessions में भी काफ़ी देखा है. आपको क्या लगता है, what was your strategy? आप क्या कहना चाहोगे students को, या आपका क्या experience रहा throughout the journey? Sir, it was a very great journey. And it also has a lot of ups and downs. And my only strategy was to follow your guidance for all the academic part. And I also would like to give you the most credit. No, what about family? Okay, I have helped you in the academic part and the interview part and all. But I just want to know from you the family perspective, how your parents helped you, and what you want to convey. If you want to give them the credit, so how you will thankful to your parents? That's what I want to know from you. Sir, at the beginning, they were the ones that had motivated me to join the armed forces, and that's the thing that I would. Okay, you were not aware of armed forces. आपके mind में नहीं था कि army में जाना है, navy में. It was not in your mind. It was there, या आपको father ने बताया, पापा ने बताया? Sir, बचपन में कुछ था, वो आर्मी की तरफ का, यहाँ पर बहुत सारे एडवेंचर्स टाइप होते हैं, तो वैसा ही था. जब फैमिली ने देखा कि आर्मी लाइफ कैसी होती है, मोटिवेशन दी, तब मैंने ठान लिया था कि आर्मी जाना है बस. हाँ सर. सो और मम्मी के बारे में क्या कहोगे? मम्मी का क्या, क्योंकि पापा का तो हमने पूरा सुन लिया है कॉन्ट्रीब्यूशन, मम्मी का क्या था? पापा और मम्मी में से कौन ज़्यादा स्ट्रिक्ट था आपके अकॉर्डिंगली? सर पापा सीखते हैं, मम्मी से क्योंकि वो बैलेंस बनाना पड़ता है ना, वो बैलेंस इज रिक्वायर्ड. तो मम्मी ने आपको खूब सपोर्ट किया. दर्शिल, इट्स योर बर्थडे टुडे, और जैसे कि सर ने बताया, जब जिस दिन रिजल्ट आया था ऑन सर 3rd of April, तो उस दिन हर नेम इज नाइशा, उनका बर्थडे था. ओके, तो उस दिन इनका भी बर्थडे था, तो आज आपका बर्थडे है. वी हैव गॉट द जॉइनिंग, वी हैव नॉट गॉट द जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन येट ना सर, अभी तक. वी गॉट द मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है. तो जॉइनिंग दे विल गिव शॉर्टली. ओके, तो वेरी सून दे विल गिव द जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन. तो मैं अपने स्टूडेंट से भी कहूँगा, आज दर्शिल का बर्थडे, कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप हैप्पी बर्थडे, और आपका मैसेज ज़रूर दर्शिल तक मैं पहुँचाऊँगा. ओके दर्शिल, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि सभी बच्चे फेस करते हैं. आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, हॉस्टल में आते हैं, फिर आपको कुछ एकेडमिक्स दिया जाता है. ओके, एक होम सिकनेस भी रहती है, तो कैसे उस प्रेशर को आपने मैनेज किया? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, हमें मालूम है. ठीक है, आपने सबको मैनेज करा एंड अल्टीमेटली यू हैव गॉट सक्सेस. ओके, आरआईएमसी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया. तो आपसे ज़रूर मैं पूछना चाहूँगा कि वो जो प्रेशर था आपके ऊपर, ठीक है, घर से अभी भी निकले हो, कम्फर्ट जोन से बाहर निकले हो, यहाँ पर एकेडमिक्स मॉर्निंग से इवनिंग आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो वो चीज़ आपने कैसे मैनेज करी? सर, जब मैं पहली बार अपने घर से निकला था, तो होम सिकनेस का जो था बीमारी, वो बहुत बार हुआ था मेरे को. तो मैंने ना, और जो विथ अराउंड द प्रेशर्स था एकेडमिक्स के लेकर, मैंने उनको डिवाइड कर दिया कि इस समय मैं सिर्फ ये करूँगा. मैंने ये नहीं किया कि सारा चीज़ें आज ही पूरा ख़त्म कर लूँगा, एक दिन में एक चीज़. और फैमिली से शाम को बात करता था, और जब मैं कभी कभार होता था डिमोटिवेट कि कैसे होगा, क्या करूँ, तो एकदम काम माइंड से सोचता था, सर से, फ्रेंड से और फैमिली से कि पूछता था कि ये हो रहा है, कैसे कैसे करूँ, और अप्रोच किया है. तो सबने हेल्प किया था और वही था मेरा अभी तक, मैंने कैसे कैसे मैनेज किया था। हम एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि मदर के लिए काफ़ी टफ सिचुएशन, क्योंकि मैं तो आई टॉक टू वेरियस पेरेंट्स, तो मदर के लिए बहुत टफ रहता है बच्चे को बाहर भेजना, क्योंकि फादर तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फिगर है लेकिन मदर के लिए बहुत टफ रहता है। तो आपने कैसे वो टफनेस दिखाई, कैसे दर्शील को बाहर भेजा हॉस्टल में अपने से दूर, आपने क्या वो पेरेंट्स को आप प्लीज़ बताइए कि आपने किस तरीके से ये हार्ड डिसीजन लिया। मेन चीज़ तो ये है, मैं मोटिवेशन बेस्ड ज़्यादा हुआ है उनसे कि उनका ज़्यादा फोकस था कि उनको आर्मी में ही देना है बोल के। तो मैं पहले सोचती थी कि बच्चा को इतना दूर भेजना है पॉसिबल नहीं होगा, तो जब तक यहाँ वो आए थे तब तक भी मैं मुझे भेजने का एकदम मन नहीं था। मैं अंदर की बात बोल रही हूँ, भेजने का मन नहीं था कि मुझे गुस्सा भी आता था। वो बोलते थे कि भेजना है उसको, तो मैं इसको पूछता था तुम जाएगा क्या, क्योंकि ये मैं इसका मदर नहीं हूँ, ये मेरे फ्रेंड जैसा बात करते हैं। अभी भी हम लोग फ्रेंड जैसा ही है, मतलब मैं उसके साथ में इतना ये करती हूँ ना, तो वो एकदम फ्रेंड जैसे, मेरे से डरते भी नहीं है एकदम। वो डरते हैं तो खाली उसका फादर से डरते हैं। तो मैं उसको पूछता था तुझे जाना है क्या, तो वो बोलते हैं कि पता नहीं, मतलब वो डरते थे फादर से कि आर्मी में ही जाना है हमें। तो ऐसा कर करके वो क्लास 4 में था ना, क्लास 4 में था तब इसने भी सोचा कि उसका पापा उसको ज़्यादा डिफेंस का ही चीज़ें दिखाते थे, पिक्चर हो और इंग्लिश मूवी जितना होते थे डिफेंस का ही वो खुद ही भी देखते थे, वो भी देखते थे, मैं तो नहीं देखती थी क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं थे। तो उसके बाद मैं आस्ते आस्ते मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा कि वो पूरा मुझे मोटिवेट कर दिया कि हाँ ऐसा है, तो मैंने भी शुरू किया हाँ ऐसा होगा तो बच्चा तो वहाँ जाएगा तो उसको तो बहुत तकलीफ होगा। उन्होंने मुझे सब RMC के बारे में बताया, वहाँ से ऐसा होता है सुबह में 4 बजे उठना, तो मैं मोटिवेट हो गया। तो वो तो उठते नहीं थे, मैं 4 बजे उठना शुरू कर दिया। तो बच्चा लोग तो लेजी होते ही है, तो मैंने स्टार्ट किया कि मैं 4 बजे मैं 3:30 में उठना शुरू किया मॉर्निंग में एवरी डे। तो मैं 3:30 में उठ जाती थी, तो ये तो सोता रहता था, तो मैं इसको पानी मारती हूँ और उठाती हूँ। आधा घंटा वो टाइम लगा, सब कपड़ा रेडी करके मैं उसको रनिंग में ले जाती, मैं खुद ही निकल जाती थी। तो ये एकदम पीछे रहते हैं, तो बोलते हैं कि तुम जाओ आगे, हमको बोलते हैं। तो इस आस्ते 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 क्या हुआ कि आफ्टर 1 मंथ, मतलब 1 महीना के बाद में इसको भी थोड़ा ये हैबिट हो गया, तो वो अपने से फिर शुरू कर दिया कि ठीक है मैं अभी ये कर पाऊँगी। फिर इसने बोला कि मुझे फुटबॉल का इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में, तो हमने फुटबॉल के लिए भी इसको लेके गया वहाँ। तो एवरी इवनिंग मैं उसको फुटबॉल में ले जाती हूँ। काफ़ी इनका रेजिमेंटल मतलब एफर्ट रहा है। एक तो मतलब हम लोगों ने घर का माहौल को ही पूरा आर्मी बना दिया, पूरा हमारा घर पूरा ये सर आपका ये है ना। तो वो क्या करते हैं, दिल्ली कभी भी आते हैं ना, वो कहाँ है वहाँ जाते हैं, वहाँ से इतना सामान खरीदते हैं, पूरा घर में लगा के रख दिया है। मतलब बच्चा देखेगा तो वही देखो, वार में पोस्टर वही देखो, टीवी में भी वही देखो, तो उसको दिखा देगा। हम लोग भी हो गए ऐसे कि हम लोग भी अभी मैं ऐसा हो गया, अभी सच में बोल रहा हूँ सर, मैं ऐसा हो गई हूँ कि काश मैं भी ट्राई करती कभी आर्मी में जा पाते, ऐसा हो गया। अभी मेरा भी ऐसा हो गया है फीलिंग। तो ऐसा कर करके अभी पूरा एटमॉस्फेयर वो सर जरूरी है सर। एक्चुअली सुनने में थोड़ा ये ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे स्ट्रक्चर्ड, रेजिमेंटल एंड आई विल यूज द वर्ड बहुत ज़्यादा मेटिकुलस, लेकिन ये जरूरी है सर क्योंकि मैंने वही सीखा है। अगर आपको कुछ काम करना है अच्छा से करना होगा, अगर आपको कुछ चीज़ अचीव करना है यू वांट टू बीट ए कॉम्पिटिशन, तो पहले आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा, उसका आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, प्लानिंग को आपको फॉलो अप भी करना पड़ेगा। हम लोग प्लान तो कर लेते हैं ठीक है, मुझे 1 साल बाद में IAS का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, प्लान तो हो गया, लेकिन वो प्लान को आप अमल में तो लाना पड़ेगा ना। आपको वीकली टारगेट्स, डेली टारगेट्स, ये अचीव करते करते मंथली टारगेट, देन 2 महीने बाद, दैट्स हाउ वी क्रॉस द रिवर। सो दैट्स व्हाई वो घर में ऐसे ही माहौल में रख दिया। वो मैं दिल्ली आते रहता था, तो नेशनल वॉर मेमोरियल में काफ़ी कुछ मटेरियल्स मिलते हैं, बुक्स मिलते हैं, टी शर्ट्स मिलते हैं, उसमें फोटोग्राफ्स मिलते हैं यू नो, तो इन सबको मैं ले जाता था और वो घर में फ्रेम करता था, फ्रेम करके इसका रूम में मैं रख देता था। अभी भी है घर पे, तो उसमें बुक्स मेनली आप सैम मानेक शो का बायोग्राफी वो मैंने इनको पढ़ने लगाया। इट वाज क्वाइट एन एक्साइटिंग थिंग, उसमें जो लोग मिलिट्री लाइफ इज about the person, about the leadership is about the person, how he perceive things, unka wo kaise kiye hai, everyone has a journey, you know, everyone has a journey that needs to be told, and I don't know abhi ladka selection hua hai RIMC mein unke liye to abhi shuruaat hai, और हम इनको ज़्यादा मैं इसको पैम्पर भी नहीं करना चाह रहा हूँ कि नहीं तूने बहुत बड़ा यू नो, इट इज़ जस्ट अ जर्नी, ये तो शुरुआत है। इनके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव शुड बी NDA, ऑफ कोर्स NDA के बाद फिर IMA, देन उसके बाद आप ऑफिसर बनते हो, राइट। यू हैव टू डू वेल फॉर योर रेजिमेंट, वहाँ पे आपको नाम जिसको बोलते हैं नाम नमक निशान, तो उसमें आपको खड़ा उतरना पड़ेगा। तो ये ह्यूमन लाइफ यू नो, एवरी डे वी हैव अ चैलेंज एंड वी शुड बी रेडी फॉर इट। तो उसके लिए दैट्स व्हाट आई बिलीव इन, एंड मैं अपना फैमिली मेम्बर्स को सबको यही मैं ये करता हूँ कि आपको करना है तो कोई भी चीज़ आप परफेक्टली करो। और शायद हम लोग का क्यूमुलेटिव एफर्ट ही है कि वी हैव मेट यू एक्चुअली। हम लोग जो मैं 70-30 वाला जो मैं फंडा बताया था, 70 में 50 तो उसका अपना एफर्ट, 20 मैंने थोड़ा ये किया था, बाकी तो यहाँ आने के बाद तो वी हैव लाइक सब कुछ वी जैसे प्लान किया था वैसे हुआ। वी फाउंड आउट अबाउट इंस्टीट्यूट, यहाँ पे कैरिकुलम बहुत अच्छा हुआ, फाइन ट्यूनिंग जो बोलते हैं वो हो गया, उसका बैकबोन बहुत ये हो गया, जहाँ वीक एरियाज है you know, professional, this is really nice, you know, this is how ये पूरा एक journey रहा, and you know, तो that's how that's why this result has come like that. अच्छा सर, आपने जैसे सैनिक स्कूल में आप पढ़े हैं, आपने NDA एग्ज़ाम दिया, आप मेडिकल में नहीं हो पाया जी, तो आप बता रहे थे कि आपने भी ज्वाइन करना चाहते जी, तो आपने दर्शील, आपके कुछ एक्सपेक्टेशन है दर्शील की, कोई स्पेसिफिक फोर्स ज्वाइन करे, या आपने वो दर्शील पे छोड़ा हुआ है कि इट इज़ हिज चॉइस? नो सर, इट्स एंटायरली हिज चॉइस। और मेरा प्रेफरेंस ऑफ कोर्स रहा था द नेवी, ये पता नहीं है, इंसान का प्रेफरेंस रहता है, मैं आई वुड यूज द वर्ड प्रेफरेंस। तो उनको पानी से एलर्जी है वो तो उनका हमेशा से रहा है, आर्मी में भी उनको इन्फेंट्री ही बनना है, वो आर्मर्ड कोर में भी उसको इच्छा नहीं है, उनको आपका आर्टिलरी में तो उसको एकदम वो नहीं है, उसका खाली इन्फेंट्री होल्डिंग द गन, यही उनको इच्छा है। तो मैं उस पर कोई इम्पोजिशन नहीं करूँगा, उनको अपना जर्नी, और ही शुड सेट हिज टारगेट आफ्टर ज्वाइनिंग लाइक द RMC, नेक्स्ट उसका टारगेट होना चाहिए NDA, देन उसके बाद फिर द जर्नी शुड बी डायरेक्टेड बाय हिम। सो कोई ऐसा खास प्रेफरेंस मेरा नहीं है उसमें। सर मेडिकल्स पे आते हैं क्योंकि रिटर्न हो गया, फिर इंटरव्यू हुआ जी, और मेडिकल क्योंकि इट्स अ वेरी एग्जॉस्टिव मेडिकल, आई थिंक एक पूरा हफ्ता लगता है उसको, तो कुछ मेडिकल का एक्सपीरियंस आप बताइए ताकि पेरेंट्स के लिए वो थोड़ा सा इंफॉर्मेशनल रहे जी। ये पेरेंट्स के लिए बहुत जो जर्नी मेरा रहा है यू नो रिगार्डिंग, देखिए मैं तो ये बोलूँगा कि आप ये जो 3 एग्ज़ाम है ना, मतलब 3 पार्ट है, रिटर्न, वाइवा एंड मेडिकल, ये तीनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए यू नो, बिकॉज ये अल्टीमेटली फ़ायदा बच्चे को ही होगा। देखिए मेडिकल में हम लोग ने जो फेस किया था, अब आई डोंट वांट टू साउंड कंट्रोवर्शियल आउट हियर, बट अगर थोड़ा और ऑर्गेनाइज होता तो अच्छा होता हम लोग के लिए, बिकॉज वी हैव कम ए लॉन्ग वे। हम लोग देहरादून में थे, फिर हम लोग गुवाहाटी गया, हमको मेडिकल का जो सेंटर दिया गया था उसमें थोड़ा सा मे बी बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट ही नहीं होते हैं ना, तो आई कैन नॉट इवन यू नो ब्लेम देम, बट येस द पेरेंट्स those who have been selected like who is going to be selected for the written and after the viva, medical को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एंड सबसे पहले आई रिक्वेस्ट द पेरेंट्स, आपके माध्यम से मैं पेरेंट्स को ये बताना डेफिनेटली चाहूँगा कि जब मेडिकल का कॉलिंग आएंगे, जो भी MH होगा, मिलिट्री हॉस्पिटल होगा, उनमें सबसे पहले आप रिक्रूटमेंट सेल को खोजिए, आपका लाइफ आसान हो जाएगा। देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड रिक्रूटमेंट सेल, तो वो रिक्रूटमेंट सेल को पता रहता है कोई बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, कोई कुछ आर्मी में भर्ती हो रहा है, वॉट एवर द मेडिकल का जो फॉर्मेलिटी है वो रिक्रूटमेंट सेल का काम है। तो ये चीज़ हम लोग को मेडिकल ख़त्म होने के बाद पता चला था, तो दैट्स व्हाई द थिंग गॉट रियली ऑन ए डिसेड है नो, हमें पता नहीं था, और जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है नो, कोऑर्डिनेशन का काफ़ी दिक्कत हो गया था हम लोग को। तो और उसमें हर एक जो मेडिकल का पैरामीटर्स है ये आर्म फोर्सेस वर्जन 2 जो है उसी स्टैंडर्ड्स में होते हैं। और आई स्ट्रांगली सजेस्ट टू द पेरेंट्स कि मेडिकल का जो पैरामीटर्स है आर्म फोर्सेस वर्जन 2 का जो पैरामीटर्स है वो आप पहले चेक कर लीजिएगा दूसरा हॉस्पिटल में बिफोर फेसिंग द मेडिकल्स, प्रॉपर चेक कर लीजिए सो दैट यू आर कॉन्फिडेंट, राइट। उसके बाद आप रिक्रूटमेंट सेल ये कीजिए, रिक्रूटमेंट सेल में विजिट कीजिए, दे विल स्मूथली कोऑर्डिनेटेड एंड उसमें मेडिकल बोर्ड होते हैं, दोज मेडिकल बोर्ड्स विल बी लाइक एक बोर्ड एक है बोर्ड सेक्शन बोलते हैं, दैट्स ए डिपार्टमेंट एंड ईच एंड एवरी मेडिकल्स का रिपोर्ट वो लोग एनालिसिस करके दे विल एक्चुअली सर्टिफाई वेदर द स्टूडेंट हैज़ फेल्ड और पास्ड द एंटायर थिंग। अगर कुछ प्रॉब्लम का वजह से अगर वो फेल हो जाता है देन ही कैन ऑलवेज अपील फॉर ए हायर मेडिकल बोर्ड एंड वहाँ भी अगर कुछ प्रॉब्लम आता है देन अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड अगर जस्टिफाइबल है देन ही अगेन री अपील फॉर दैट थिंग। तो ये होता है, सो देयर इज़ लॉट ऑफ स्कोप बट अगेन दैट एलिमेंट ऑफ डिसिप्लिन, प्रायर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज इज़ रियली हेल्पफुल, एल्स ये काफ़ी दिक्कत होते हैं मतलब। तो क्योंकि सबके लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है ना मेडिकल हॉस्पिटल में जाके, ये उन लोग भी दे वर ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग दैट ऑन दिस पर्टिकुलर डेट ये बच्चा आएंगे। तो दिस इज़ ए मोमेंटस थिंग, सो इसलिए पहले कर लेना ज़रूरी होता है। सर उसके अलावा मेडिकल के लिए भी कुछ पहले से प्रिपरेशन, अगर किसी बच्चे की नॉकनीज है या किसी बच्चे की आईसाइट वीक है तो वो पहले से पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। जी ज़रूर, मतलब जो पैरामीटर्स जो है ना, जैसे कि मैं आपको जो बताया था जो आर्म फोर्सेस वर्जन 2 का जो पैरामीटर्स है उनमें आइज़ को प्रायोरिटी है, आइज़ तो है ही, बाकी नॉकनी का जो इशू है वो तो आई थिंक नॉकनी इज़ इरिवर्सिबल, नॉकनी होने से तो वो तो फ्लैट फुट नॉकनी में, नॉकनी मतलब काफ़ी कुछ पैरामीटर्स है। तो नॉर्मली जितना मेरा प्रायर इन्फॉर्मेशन था क्योंकि ऑलरेडी आई अपेयर्ड फॉर द एसएसबी मेडिकल्स ना, तो वो लोग एक तो स्केल होता है और नॉकनी में वो स्केल का आई थिंक 7 इंच का अगर ये होता है ना वेरिएशन आ जाता है, 7 इंच तक वो स्केल को ये करके ना वो लोग चेक करते हैं। ओके एंड उसमें घर में थोड़ा सा यूट्यूब में या गूगल पे यू नो यू विल गेट द प्रायर आइडिया अबाउट व्हाट आर द थिंग्स दैट विल बी डन इन द मेडिकल्स। तो ये थोड़ा बहुत वार्म अप या ब्रशअप कर लेने से काम होता है, यू नो जो मैंने जो किया था, यू नो जो रास्ता मैंने फॉलो किया था। सो आईसाइट का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, योगा बहुत ज़रूरी है, एकेडमिक्स के साथ साथ फिजिकल फिटनेस योगा बहुत ज़रूरी है आईसाइट के लिए। और आईसाइट में तो मतलब सबको ही इन्फेक्ट करना चाहिए, क्यूकम्बर पैक लगाना ही चाहिए, एवरीवन शुड डू दैट। ये इसका एक मेडिकल मतलब उसका टर्मिनोलॉजी है, तो ये मेडिकली प्रूवन टेक्निक है क्यूकम्बर पैक। सन गेजिंग भी ज़रूरी है विद द राइट टेक्निक, सन गेजिंग बहुत ज़रूरी है। और एक है जिसको हम लोग त्राटक क्रिया बोलते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इसका रिसर्च भी है अवेलेबल है, जो कि इट्स क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यंगर पीपल जिनका आइज रिकवर हो सकता है फॉर मायोपिक विजन के लिए। तो वो एक तो आईसाइट के लिए किसी का अगर कमज़ोर है तो हो सकता है, बाकी नॉर्मली आर्मी में काफ़ी चांसेस मिलते हैं आईसाइट को रिकवर के लिए अनलेस वो सीवियर कुछ ना हो। बाकी एयर का साउंड्स ऑडियोमेट्री टेस्ट करेंगे वो लोग, तो बाकी डेट्स व्हाट आई सजेस्ट नो वन शुड गो फॉर द प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन प्रायर टू द आरएमसी मेडिकल, तो दे विल गेट द आइडिया। बाकी रिक्रूटमेंट सेल वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सर थैंक यू सो मच, यस कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन वंस अगेन। सर फाइनली सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल इंटरव्यू सर। श्योर श्योर सर, लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा कि पेरेंट्स के लिए कुछ लाइन्स लास्ट में कुछ मैसेज आप देना चाहें। डेफिनेटली, एंड मैं डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के माध्यम से ये डेफिनेटली मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ वेरी बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन द प्रोसेस, बिलीव इन द जर्नी एंड प्लीज़ हैव फेथ ऑन द सिस्टम इन प्लेस एंड डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी जैसा इंस्टीट्यूट को सपोर्ट कीजिए ज़रूर, बिकॉज यू नो दिस आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग एंटायर जर्नी हम लोग का जितना ये रहा, एवरीथिंग आई हैव शेयर्ड इन दिस इंटरव्यू। सो काइंडली बिलीव इन द प्रोसेस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव इन योर सेल्फ, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ यू विल बिलीव इन द प्रोसेस एंड प्लीज़ बिलीव डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी एंड प्लीज़ सपोर्ट अस एज वेल। थैंक यू सो मच सर।